फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम लोग अपने अभी घर पे हैं और ये हमारे पीछे बाण गंगा की सुपरस्टार हमारे अनमोल वो कुछ बोल दे बाबू, कुछ बोल दो। हाय हेलो, हाय हेलो। मुर्गा बनने की तैयारी? हाय बाय। इस समय देखिए रोटी बन रहा है, ये है तावा पे रोटी बन रहा है। जो गैस बांटना आपको दिखाए तो उसी पे। आज देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी गंदी हो गई है। इधर आओ, इधर आओ। आज देखिए अपना मुंह फुलाई है। ये देखिए पूरा काजल हाथ में। हाथ दिखा दो बेटा, वो वाला लग रहा है इसका हाथ धुला गया है। हाँ दिखाओ। ये देखिए पूरा काजल पाई थी, हाथ में लगाई थी आज। हेलो बोल दो। नहीं बोलोगी? सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग चिकन बना रहे हैं, तो अब ये प्याज वगैरह लेके आए हैं, उसको काटने जा रहे हैं हम। तो ठीक है, अभी हम प्याज काटते हैं, तो अभी मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय प्याज कटिंग हो रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से काट लूँ। बताई दो। सो दोस्तों, देखिए हमारा प्याज छिला गया है, अभी और छिलना बाकी रह गया है। सो फ्रेंड्स, प्याज काट चुके हैं, अब इसको बारी है भिगोने की। सो दोस्तों, ये है अपना प्याज, इसमें पानी डाल के अच्छे से धो दिए। ये देखिए ऐसे डालो, निकाल के डालो। ये कुकर को लगती है इस पे। ये है भाई हमारा चिकन। अब रेसिपी सीखने के लिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा रेसिपी इसमें बताऊंगा। वैसे मुझे नहीं पता, बताएगी वाइफ ही, वो जैसा कहेगी वैसा करता जाऊंगा बस। अभी नेहा गई है ईशा को घर पे करने के लिए, ये आ गई। अब इसमें पड़ेगा तेल, तब उसके बाद कोई काम होगा। डालो तेल। कहाँ है तेल? क्या है? पहले इसमें ये देखिए दो डब्बू, इसको कहते हैं पता नहीं क्या, इसमें तेल लेंगे बढ़िया से एकदम। बस हाँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, तेज पत्ता पहले से डाल देंगे। अभी हमने जो मुर्गा लिया था फ्रेंड्स, दो ही लोगों के लिए लिया था, 300 ग्राम है ना। तो इसमें अब थोड़ा सा अपना, जैसा भी आप खाते हैं स्वाद अनुसार, जो भी मीट मसाला आप डालते हैं, ऐसा मीट मसाला रहेगा। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटे इलायची, गोल मिर्च और पता नहीं क्या क्या, पोस्ता दाना है ना, जावित्री, जायफल और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लवंग, बस जीरा मिर्च, ये सब लेके इसमें आपको खून लेना है। जीरा नहीं लाना। अब इसमें फ्रेंड्स, ये प्याज जो हमने काटा है इसको डालेंगे। इसमें लहसुन भी है फ्रेंड्स, लहसुन भी आप डाल दीजिएगा। ये खड़ा लहसुन है, अपने स्वाद के लिए इसको बनाते हैं, डालते हैं, क्योंकि जब ये पूरा पक जाता है बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी आपको दिखाएंगे ये कैसा होता है। अब ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। करछुल कहाँ है? करछुल लो। फ्रेंड्स, ये देखिए अपना पड़ गया है प्याज, और ये दो लहसुन, इसको अच्छे से चलाना है। और फ्रेंड्स, इसको ऐसे चलाते रहना है। हालांकि मैं पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन ज्ञान ऐसा दे रहा हूँ जैसे रोज बनाता हूँ। ढको, बंद करो तब ना। नमक डाल दो, नमक तब प्याज गले। नमक बस इतना? नमक थोड़े लगे। हाँ, तो इसमें नमक डाल के अच्छे से बंद कर, चला देना है पहले, ऐसे बंद कर दो। नहीं
नमक रहेगा उसको उसमें मिक्स कर देना है, जिसमें नमक का भी स्वाद आ जाए। नमक डालने से प्याज गलता है स्वाद। उस चिल्ली कहाँ रख रहे हैं, उसको बंद करो। अब इसको ऐसे ढक देना है और जब तक आपका प्याज अच्छे से गल ना जाए तब तक इसको ऐसे रखे रहना है ना। तो चलिए अभी हम तब तक मुर्गा खाते हैं जो मम्मी दी हैं, है ना। अभी हम मुर्गा खाएंगे, उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब इसको ऐसे हल्का जलाएंगे और उसमें जो आपका कच्चा चिकन है वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से चला ला के मिक्स कर देंगे। हल्का तेज करो। तेज क्या करो? अब इधर उधर से करो हल्का से। इसको अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर देंगे। बस भैया देख अब हल्का 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 भूजो। अब ये भूज रही हैं, हम भूज चुके हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो मार्केट से कोई भी मसाला लेके इसमें एडिशनल डाल सकते हैं। जैसे ये जो है खड़ा मसाला है, दिखाओ मसाला। जैसे ये जो खड़ा मसाला हुआ है, ये खड़ा मसाला है, है ना। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो ना इस्तेमाल करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे चिकन में और स्वाद आए तो ऐसा मसाला मार्केट में बहुत मिलता है। हमारे इधर ये यंगिश मसाला है, ये देखिए दिख रहा होगा कि नहीं। हल्का सा डालिएगा क्योंकि उल्टा फाड़ के देखिए। यंगिश मसाला है ना, तो ऐसे गोल्डी आता है, बहुत 555 एवरेस्ट है, बहुत मसाले हैं। तो आप किसी का भी इस्तेमाल, हम इस समय यंगिश ले रहे हैं, है ना। ये डालिए, हम थोड़ी लेंगे इसको। आप अपने मुर्गे में डाल के थोड़ा सा लेना है। ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा कट छूट। अगर जैसे ज़्यादा आप, और मीट मसाला भी देखिए मैं 20 का लाया लेकिन हल्का ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मीट मसाला ले लेंगे तो करछाता है, मतलब कड़वाहट कड़वाहट टाइप का, अजीब टाइप का लगता है। और वैसे अगर आप यही अगर ज़्यादा डाल देंगे ये वाला मसाला जो पिसा हुआ है, अगर इसको तब भी कड़वाहट आने लगेगा, करछाएगा, करछ मारेगा। डाल दें इसको बढ़िया से। डाल दिया हमने इसको, चलाएंगे मस्त आराम से चलाएंगे। आओ पीसा हुआ मर्चा डाल दो। कहाँ है? शीशे में किनारे में कड़वाहट के लिए मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो हल्का हल्का से डालो, ये ले सकते हैं। या क्या है? मिर्चा। ये मिर्चा है, लाल मिर्चा, आप ये ले सकते हैं हल्का सा। इतना थोड़ा सा डाल। देखिए फ्रेंड्स हम लगभग आधा आधे से भी कम चम्मच ले रहे हैं। चला के ढक्कन लगा दो, थोड़ा भुजा। अब इसको मिर्चा डालने के बाद फ्रेंड्स इसको हल्का सा और चला लेना है। पूरा जब मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा तब पूरे जो मुर्गा है, मीट है, जो मांस है, इसमें भी स्वाद आएगा। और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हमारा पसीना इसमें ना जाए, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसा व्यवस्था ना हो तो आप भी थोड़ा दूरी रहिएगा, नहीं तो पता चला बीवी या घर वाले खाए तो कह रहे अरे यार कितना नमक डाल दिया। अब आप कहो कि हमने तो नमक ही नहीं डाला था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देना है। जो कुकर का ढक्कन है इसको हम लगा देंगे बिना सीटी, सीटी लगाओ। अच्छा सीटी के साथ तब प्याज गलेगा। दोस्तों ये जो चिकन है इसको ऐसे देखिए दिख रहा हो तो हल्के हल्के आँच में पकने देना है, जब तक इसकी सीटी ना लगे। हल्के 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 मध्यम मध्यम इसको पकने देना है। जब यह धीरे धीरे गल जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी तैयार। अभी देखते हैं ग्रेवी भी कैसे तैयार होता है, क्योंकि जो ग्रेवी होता है वो प्याज का ही बनता है। जब प्याज गलेगा जो प्याज का पानी होता है जब वो छूटता है ना उसमें, तो हल्की हल्की ग्रेवी अपने आप आने लगती है। जब ग्रेवी आ जाती है भाई तो अपना मस्त
जो आपका है पानी हल्का सा डाल देंगे जिससे ग्रेवी अच्छे से तैयार होगी। अगर आपको ग्रेवी बिल्कुल नहीं चाहिए प्याज ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर मीठापन आने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है एक सीटी देने के लिए तैयार है। जब ये एक सीटी दे देगा तो हम इसको ढक्कन को खोल के आराम से इसको चलाएंगे। ये जो ढक्कन है ना, इसको खोल के एक बार मुर्गे को चला के फिर ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन का सीटी बज रहा, मतलब ट्रेन का जो जब चलता है इंजन, तो वैसा आवाज आ रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसा कर दिया है। अब ये सीटी मारेगा जब, तो इसको खोल के चलाना पड़ेगा। ये देखिए, मार दिया भाई। ये देखिए फ्रेंड्स, मुर्गा हमारा धीरे धीरे हो रहा है। अब इसको मैं अभी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नया है नहीं, है ना, मुझे इसको पकड़ के करना पड़ेगा। अब इसको चला चुके हैं फ्रेंड्स और इसको बंद कर दिए हैं, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, नमक बढ़ रहा है। अगर जैसे आपको टेस्ट कर लेना है, नमक वगैरह आपको कम लगे तो डाल देना है। क्यों? टेस्ट किए ना फ्रेंड्स, तो आपको टेस्ट करके तब नमक डालना है। और जब टेस्ट करेंगे तो मिर्चे का भी थोड़ा बहुत वो लगेगा कि मिर्चा कम है कि ज़्यादा है, आप ज़्यादा खाते हैं कि कम खाते हो, आपके ऊपर है, तो उस हिसाब से आपको भी कर लेना है। और वैसे दोबारा जैसे बताता हूँ मैं आपको, मिक्स करना है तो वैसे ही आपको मिक्स कर लेना है हमेशा, जब भी आप कुछ भी डालें, क्योंकि खुद से नहीं मिक्स होने वाला है। सो दोस्तों, देखिए हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है। ये आ गया चिकन हमारे प्लेट में। और वो लहसुन देखो, लहसुन क्या है, लहसुन कहाँ? ये देखिए दोस्तों, ये वही लहसुन है जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। ये बहुत, इसके मिक्स होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे भूख बढ़ रही है, अब इसको खाते हैं, क्योंकि आज ये मैंने बनाया है। टेस्टी वाला हाँ, टेस्टी वाला है। ये खा चुकी हैं, ये पहले खा चुकी हैं। दो रोटी खा ली है, भूख लगा था। तुम क्या खाई हो? मछली। इसके लिए मछली बना है। इससे कोई भी पूछता है तो कह, तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी क्या बनाई है, तो कहती है मछली बना है। चाहे जब पूछेगा कोई अगर मछली बना, अगर आप इससे पूछेंगे कि क्या बना है, अगर हमारे घर में दाल चावल बना होगा तब भी कहेगी मछली बना है। पता नहीं क्या बात है, इसको मछली से इतना लगाव क्यों है। मछली पसंद है ना। ईशा, सबको हेलो बोल दो, लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ये है अपना मुर्गा, पीस लेंगे। अच्छा तो है, जैसा हमेशा बनता है वैसा ही है, लेकिन आप भी ट्राई कर सकते हैं जिसको नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत हाई फाई बन जाएगा, खाने से बहुत हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा फ्रेंड्स कि अगर आप जैसे बैचलर हैं, चुप रहो ईशा, जैसे आप बैचलर हैं या फिर हॉस्टल में कहीं अकेले रहते हैं, तो आप अपना ऐसे बना के हॉस्टल वगैरह में अगर आप रहते हैं तो बना के खा सकते हैं। हम कौन हैं, हमको क्या बुलाती हो? सबको बाय बोल दो, बाय बोल दो ईशा, बाय बाय, क्या तो अच्छे से रहिएगा सब लोग। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये देखिए अपना मुर्गा दबा के खा रही हैं। मुर्गा बहुत स्वादिष्ट बनाए थे मेरे पति देव, पहली बार जिंदगी में बनाया है, मैं तो कभी कुछ बनाने वाले नहीं हूँ। हम बताए हैं, इन्होंने बनाया है।
सो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगता हो हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।